नमस्कार दोस्तों, मैं दिव्येंदु मंडल मेरे यूट्यूब चैनल पे आप लोगों को स्वागत करता हूँ। मैं कुछ बाई सेल लेवल्स और चार्ट देख के आप लोग को लाइव इलस्ट्रेशन, लाइव मार्केट में इलस्ट्रेशन दिखाना चाहता हूँ कि बाई सेल लेवल कैसे काम करता है और कैसे इसको इस्तेमाल करना है। उसके बाद चार्ट भी उसके साथ कंपेयर करूँगा। उसके बाद देखूँगा कि कल भी ऐसा दिया था तो आज भी वो देने का कोशिश करूँगा के इस कैसे बाइसल लेवल काम करता है। तो चलिए देखते हैं बाइसल लेवल्स। देखिए, मैंने आज का डाटा मैंने अपडेट कर लिया। मैंने निफ्टी बैंक निफ्टी को दिखाऊंगा, निफ्टी बैंक निफ्टी इंडेक्स और ऑप्शन में भी आप लोग को दिखाऊंगा। तो इधर आप लोग देख सकते हैं, तो देखिए इधर 8937 के ऊपर बाई बनेगा, ठीक है, और 8817 का नीचे सेल। और ये बैंक निफ्टी 19574 के ऊपर बाई दिखा रहा है, 19113 ऊपर नीचे सेल दिखा रहा है। तो आप लोग फिगर नोट कर सकता है। इसका मैंने एक ए है, एक बाई सेल लेवल वन, और बाई सेल लेवल टू में जो दिखा रहा है ये 8877 के ऊपर बाई है और 8077 के नीचे इसका तो सेलिंग आएगा, लेकिन इसका नेक्स्ट लेवल पे एंट्री लेना पड़ेगा क्योंकि ये ऑलरेडी नीचे है। आप लोग मार्केट देख सकते हैं, ये ऑलरेडी नीचे है निफ्टी, इसका ऑलरेडी नीचे है। तो उसका नेक्स्ट लेवल 8637 जो है उसको कंसिडर कर लेना है निफ्टी। ऐसे इधर जो चल रहा है तो इसका नीचे का लेवल देखना है। इसका नीचे का लेवल 8637, इसका नीचे तो ऑलरेडी आ चुका है, तो इसीलिए मेरे को दूसरा देखना पड़ेगा। उधर 8817 का नीचे गया, कितना दिखाया, इधर 8817 का नीचे भी चल रहा है। तो इधर एक्चुअली इधर कितना चल रहा है, 8827 आ गया, तो 8817 का नीचे इसका हो सकता है सॉरी। और बैंक निफ्टी 19113 में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है, और भी बहुत सारा लेवल्स है, वो देखने के कंपेयर करने के बाद ही डिसीजन लेना है। उसके बाद इसका बाय सेल लेवल थ्री को देख लेते हैं। उसके बाद बाय सेल लेवल थ्री को 8952 के ऊपर बाई बनेगा, 8361 के नीचे सेल बनेगा। रिवर्ट पॉइंट है 8661 का ऊपर और 8179 का नीचे। और इधर देखते हैं और लेवल्स क्या दिखा रहा है। तो इधर 8861 के ऊपर ये इसका वाई लेवल दिखा रहा है और 8837 के नीचे इसका सेल दिखा रहा है। तो 8837 का नीचे तो ऑलरेडी आ चुका है 8825, तो हम लोग इधर एंट्री ले सकते हैं, सेल का एंट्री हम लोग ले सकते हैं। तो और भी कंपेयर करके देख लेते हैं, फिर उसके बाद ही डिसीजन लेंगे। 8845 का नीचे ये दिख रहा है और इधर मुरेस कैलकुलेशन जो दिखा रहा है वह भी 8836 8812 का नीचे इसका सेल बनेगा, ये 8812 का सेल बनेगा। उसके बाद और इधर 360 डिग्री में इसका जो डाउन साइड में है तो इसका 8829 का नीचे इसका सेल बनता है। उसके बाद 8788 मतलब हम लोग सेलिंग साइड में हम लोग एंट्री ले सकता है। तो मैं अभी तक कंफर्म नहीं हुआ क्योंकि और भी लेवल्स देखने के बाद ही हो मैं बोलूँगा कि ये इस लेवल पे हम लोग एंट्री लेंगे। तो इसका लेवल देख लेता है एक बार, ये
दैट जो सेल का एंट्री लेवल दिखा रहा है 8729 का नीचे, ये तो बहुत ही नीचे है, उसका छोड़ देते हैं। और इसका जो गान का गान एंगल का जो वोलेटिलिटी बेस्ट जो गान एंगल है 8838, उसके बाद 8828, तो अभी कितना चल रहा है एक बार देख लेते हैं। तो इधर हम लोग सोच लीजिए हम लोग एंट्री ले लिया सॉरी 8805 चल रहा है, सोच लीजिए हम लोग एंट्री ले लिया, क्योंकि मैंने सभी लेवल देख के कंपेयर कर लिया, सोच लीजिए 8805 से हम लोग एंट्री लिया है। और बैंक निफ्टी उसका चार्ट भी एक बार देख लेता है, नीचे आ रहा है इसका, ये इस लेवल का नीचे आ रहा है तो 8807 का नीचे आ रहा है, तो हम लोग सोच लीजिए इसमें इस बार एंट्री ले लिया। उसके बाद देखना और बैंक निफ्टी को क्या करना है एक बार देख लेता है, बैंक निफ्टी में एंट्री बनेगा क्या नहीं बनेगा। बैंक निफ्टी भी एंट्री ले लेना है, क्योंकि 113 का इसका ऊपर था, तो इसका 8808807 और बैंक निफ्टी 114 का नीचे, तो ऑलरेडी नीचे आ गया 19114, तो इसका नेक्स्ट 8887 का नीचे भी आ चुका है, तो इसका एंट्री हम लोग ले सकते हैं। तो इधर भी एक बार देख लेता है इसका 8817 का नीचे इसका एंट्री हो चुका है, इसका भी 100, इसका नेक्स्ट लेवल आएगा 8786 और बैंक निफ्टी का 19059। ठीक है, और भी लेवल्स देख लेते हैं एक बार, और 8764 या 8859 तक हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और इसका जो लेवल है वो भी एक बार देख लेता है 8814 का नीचे, हाँ सेल जो 8751 तक इसका आना चाहिए एटलीस्ट, बैंक निफ्टी का 19006 के आसपास आना चाहिए। मेरा नेट में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ गया, तो मार्केट में थोड़ा सा दिक्कत आएगा, थोड़ा सा बाद में मैंने दिखाता हूँ, थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा, नेट को आने दीजिए। हाँ चल रहा है, हाँ नेट चल रहा है, थोड़ा सा ऊपर जा रहा है मार्केट, लेकिन नीचे आना चाहिए, देखना पड़ेगा। चल रहा है 8818 चल रहा है, तो वोलेटिलिटी है थोड़ा सा, स्टॉप लॉस भी आप लोग को ज़्यादा रखना है। आप लोग इधर से पुट बाई कर सकता है या कॉल भी सेल कर सकता है। उधर मैंने लगा है, सोच लीजिए आप लोग 18800 का पुट बाई कर लिया, 351 चल रहा है 351 का प्राइस पे, और इधर निफ्टी का 8790 चल रहा है, इसको बाई कर लिया। ठीक है, 351 पे ये बाई किया और ये 89 पे बाई किया। ठीक है, तो उसके बाद देखते हैं क्या होता है। तो और मैंने कुछ स्टॉक्स में भी आप लोग को दिखाना चाहता हूँ, स्टॉक्स में क्या बनेगा।
का मार्केट डाटा एक बार देख लेते हैं। इधर लाइव मार्केट को एक बार देख लेना चाहिए, इसका क्या हाल हुआ है। तो टॉप गेनर्स है सन फार्मा, सिप्ला, सन फार्मा सिप्ला इंफोटेल, जेएल, एनटीपीसी। और यह टॉप यूजर है, टॉप यूजर जो है टीसीएस, टाइटन, इंडस इंड बैंक और भारतीय एयरटेल, ग्रासिम। तो एक बार लाइव मार्केट का आवाज देख लेता है, 250 का ही देख लेता हूँ। स्टॉप लॉस दोस्तों आप लोग निफ्टी में 50 पॉइंट और बैंक निफ्टी में 100 पॉइंट आप लोग रख सकता है। अच्छा, इसको मैंने पहले वॉल्यूम वाइज शॉर्ट कर लेता हूँ, ठीक है। तो टाटा मोटर्स में गेन हुआ है, और SBIN में गेन हुआ है। तो टाटा मोटर्स का जो गेन हुआ है वॉल्यूम, सबसे मैंने वॉल्यूम वाइज जो सबसे ज़्यादा गेन और सबसे ज़्यादा लॉस किया है वो देख लेता है। तो उसका जो टाटा मोटर्स में वॉल्यूम सबसे ज़्यादा है, उसके बाद SBIN है, इसका परसेंटेज चेंज भी गेन है। और इधर ये 69.65 चल रहा है, 71 ये हाई गया था, लो गया था 65.40। तो इसको और SBIN को एक बार देख लेता है ऊपर से, और नीचे से किसको देखना पड़ेगा, इंडसइंड बैंक को एक बार देख लेते हैं, देख सकता है इंडसइंड बैंक। ITC को भी देख सकता है, सेक्टर वाइज कौन सा सेक्टरल इंडिसेस एक बार देख लेता है। तो ये देखिए सेक्टरल इंडिसेस में दिखा रहा है, सेक्टोरल इंडिसेस में जो दिखा रहा है और इसका चेंज दिखता है, इधर इससे चेंज दिखता है। निफ्टी बैंक गेन किया है, ऑटो सबसे ज़्यादा गेन किया है, और निफ्टी अभी तो देखिए जो नीचे है उसको लेना है क्योंकि मार्केट अभी नीचे जाएगा। तो जिसका घाटा हुआ है उसको हम लोग ट्रेड करने का कोशिश करेंगे। और निफ्टी IT और निफ्टी रियल्टी इसका देखता है, ठीक है। तो इधर फिर लाइव मार्केट में देखता है, लाइव मार्केट में देखेंगे इधर। वॉल्यूम वाइज इसको शॉर्टिंग कर लेता है, वॉल्यूम वाइज शॉर्टिंग करने के बाद देखिए कौन सा घाटा ज़्यादा हुआ है। तो इधर रिलायंस घाटा हुआ है, भारतीय एयरटेल हुआ है, तो टाइटन, एशियन पेंट, बजाज फिनसर्व, सीसेल, डार्क,
इंडसइंड बैंक को एक बार देख लेता है। 376 या 441 या 362 के आसपास है, तो इंडसइंड बैंक को एक बार देख लेता है भाई। इंडसइंड बैंक और टाटा मोटर्स अपने आर एस बी आई को देखता है। उसके बाद इसका लेवल भी देखना पड़ेगा, चार्ट भी देखना पड़ेगा। आप लोग होपफुली निफ्टी और बैंक निफ्टी को वॉच कर रहा है, अभी थोड़ा सा ये ऊपर गया है, देखता है इसका 8800 का नीचे आना चाहिए। फर्स्टली इसका 8764 और 8851 आना चाहिए, और बैंक निफ्टी को 19000 के आसपास, 19006 उसका आसपास आना चाहिए, देखता है। कुछ समय के लिए उसको पॉज कर रहा हूँ दोस्तों, उसके पास आऊँगा। नमस्कार दोस्तों, देखिए मैंने टाटा मोटर्स को इधर 400 क्वांटिटी सेल किया है, तो उसको भी देखते हैं उसका क्या होता है। 68.95 में मैंने सेल किया हूँ, क्योंकि मार्केट नीचे जाएगा यही मेरा एजम्पशन है। तो इसका ये तो 8796 तक लो आया था, देखते हैं उसका फिर से कितना आता है। 8796 तक तो ये आया था, नीचे आना चाहिए एटलीस्ट 8764 या 8787। इसका जो लेवल है, इसका जो लेवल है 87, इसका जो लेवल है कहाँ गया, मैंने जो दिखाया था आप लोग को पहले 8764 या 8751 तक आना चाहिए, और बैंक निफ्टी को 19000 का आसपास आना चाहिए। तो 8814 के नीचे 8751, नहीं तो इसका 8864 के नीचे पहले 8786 क्रॉस करने के बाद 8725 तक आ सकता है। इधर देखिए थोड़ा सा आ रहा है प्रॉफिट, 8796 हुआ है, देखते हैं। अभी जो जितना वोलेटिलिटी है तो थोड़ा सा प्रॉफिट आने के बाद ही इसको निकल देना चाहिए। देखते हैं टाटा मोटर्स इसका क्या चल रहा है, इसका बाई साइड वॉल्यूम इतना है, और इधर इसका 66.65 में 70 में सबसे ज़्यादा ऑर्डर लगा हुआ है, तो इसका नीचे आएगा तो ये नीचे आएगा 65 और नहीं 670 का ये सबसे ज़्यादा ऑर्डर लगा हुआ है, तो ये फिर तो नीचे आएगा। देखिए मेरा वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाता है, इसीलिए मेरे को पॉज करना पड़ता है, तो अपडेट मिलेगा तो आप लोग को जरूर दिखाऊंगा। नमस्कार दोस्तों, मैंने फिर से हाजिर हूँ। तो आप लोग को मैंने जो बोला था
तो ये अभी देखिए इधर 8765 तक ये लो मारा है, 8764 और 8751 तक ये पहले आ सकता है। और बैंक निफ्टी को जो मैंने बोला था, बैंक निफ्टी 19,000 के आसपास होना चाहिए, तो देख लेता है एक बार इसका क्या हाल है। हाँ बैंक निफ्टी देखिए 19,000 के नीचे आ गया है, 18,964 963 चल रहा है। और आप लोगों को जो ऑप्शन दिखाया था पुट ऑप्शन 340 में, और वो था 89 पे, तो देखिए 350 से 350 ही पकड़िए, ये 422 हो गया है। और इधर निफ्टी का जो है 89 से अभी 120 चल रहा है, तो ठीक है यार मेरा क्या चल रहा है देखता है। ये 70 के नीचे आया था तो मेरा एटलीस्ट 65 तक आया था, तो देखते हैं। होपफुली और भी एक्सपेक्ट कर रहा हूँ एटलीस्ट 50-60 पॉइंट, 65 चल रहा है इसका। तो मेरा ये लगता है ये 87 मेरा जो चार्ट का जो पोजीशन है, चार्ट का जो पोजीशन है, एक मिनट, तो ये देखिए इधर जो टाइम साइकिल है इसका सेलिंग जोन में आ गया है, ये ऑलरेडी 2.6883 का नीचे आ गया है। इसका ये जो लेवल है, ये जो लेवल है 8786 का नीचे, इसका नीचे आ गया है। तो नेक्स्ट जो 15 मिनट का कैंडल बनेगा वो बहुत ही वाइटल है, इसका नीचे क्लोजिंग देगा तो ये नीचे आ सकता है, तो इसीलिए मैंने थोड़ा सा इंतज़ार कर रहा हूँ, इसीलिए थोड़ा सा इंतज़ार कर रहा हूँ। और देखते हैं 8733, 8733 तक आना चाहिए इसका, पहले 8733 तक आना चाहिए। आप लोग इधर से प्रॉफिट बुक करके फिर से री एंट्री ले सकता है इधर से 64 से नहीं, 51 से, 51 का नीचे री एंट्री ले सकता है। 51 के नीचे जब 52 हो गया है तो मेरा क्या हाल हो रहा है एक बार देख लेते हैं, थोड़ा सा प्रॉफिट आ जाएगा तो वो कर लेंगे। 60-65 लगता है ये 51 के नीचे आएगा, वो 31 को टच कर लेगा, तो उस टाइम देख लेंगे एक बार। ये 51 का नीचे फिर से एक मतलब मारेगा, 51 के नीचे ये 33 तक इसका आना चाहिए, इसका ये 15 मिनट का, नेक्स्ट 15 मिनट कैंडल जब ये जो मोटा वाला ग्रीन वाला जो लाइन है इसका नीचे बनेगा तो कम बन जाएगा, एटलीस्ट 8729 8730 तक आना चाहिए। और इस लेवल देखेंगे तो 8751, 8751 का नीचे इसका फिर से एक मतलब डाउनवर्ड ट्रेंड आ सकता है। तो मैंने कहाँ देखा था, एट देखिए 8786 का नीचे 8725, और मैंने वो जो लेवल देखा था एक्चुअली उसका लेवल का हिसाब से बता रहा हूँ। इधर एक्चुअली जब जब जिस लेवल काम करता है उसका, देखिए 8751, 8751 का नीचे 8687 तक आने का पोटेंशियल है इसका। तो देखता है अभी 49 हो गया, 46-45 मेरा क्या हाल हो रहा है, मेरा ये 50-55 में चल रहा है, 50-55 में चल रहा है, तो चल जाएगा तो अच्छा है, इससे 60-65 चल रहा है, तो
मैंने फिर से पॉज कर रहा हूँ दोस्तों, बहुत ही लंबा हो जाता है, तो जब लंबा हो जाता है तो लोडिंग करना बहुत ही प्रॉब्लम होता है, नेट का भी प्रॉब्लम होता है, तो मैंने फिर से अपडेट को दूंगा बाद में। देखिए दोस्तों, ये 8725 तक आ गया है, ये 8687 तक आने का चांसेस है। मेरा भी थोड़ा सा प्रॉफिट आ गया है, तो प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए 50 पैसा। ये छोटा मोटा स्टॉक्स में कम नहीं है, देखते हैं तब भी, ज़्यादा देखने से प्रॉब्लम हो जाता है ज़्यादा देखने का चक्कर में प्रॉफिट छूट जाता है। तो देखते हैं, तो दोस्तों जैसे मैंने बोला था, ये 8700 का नीचे, ये 8725 का नीचे 8700 तक आ सकता है, 8625 87 तक आ सकता है, ये ऑलरेडी 8700 टच किया है, तो देखता है इसका क्या होता है। इधर भी ये 10 टच किया था, मैंने प्रॉफिट अभी तक बुक नहीं किया, इसका आप लोग देख सकते हैं इधर से। डॉस टच किया था, तो ये मेरा लगता है ये 8700 का नीचे आएगा, 8687 इसका टारगेट है, देखता है एक बार, 8725 का नीचे 8686, उसके बाद 8607 तक भी आ सकता ही है, तो इतना देर तक मैंने वेट नहीं करूँगा। और इधर जो लेवल दिखा रहा है, तो इधर दिखा रहा है 8751 के नीचे 8687, यही मैंने पकड़ के चल रहा हूँ, 8687, उसके बाद 8624। मैंने चार्ट पे भी आप लोग को दिखाया कि इधर इसका मेरा थोड़ा सा प्रॉफिट छूट जा रहा है, तो 30 35 40 आ गया है, क्या देखता है। नमस्कार दोस्तों, देखिए मैंने अभी तक 8700 का नीचे आया नहीं है, तो आप लोगों को जो ऑप्शन दिखाया था मैंने निफ्टी पुट का 8700 का और बैंक निफ्टी का 8800 का पुट, तो उसका देखिए 340 से ये अभी तो 439 दिखा रहा है, लेकिन ये बहुत ही नीचे गया था। और इधर निफ्टी भी निफ्टी का भी ये नीचे लो की कितना गया था एक बार देख लेते हैं, इधर तो 33 तो नहीं आ रहा, उसमें चार्ट में एक बार देखना पड़ेगा, तो आप लोग भी देख सकता है, तो आप लोग ऑप्शन में भी ट्रेड कर सकता है। और मेरा भी ये प्राइस मेरा 10 में 68.10 मिला था, अभी 20 25 चल रहा है, देखते हैं थोड़ा सा, मेरा एक्सपेक्टेशन है कि 8700 का नीचे आएगा। नमस्कार दोस्तों, तो आज का वीडियो यही ख़त्म करता है, तो मार्केट तो फिर से रिकवरी किया, और जैसे एक्सपेक्ट किया था 8700 का नीचे नहीं आया, लेकिन आप लोग देखा है कि कितना लेवल मिला है, एटलीस्ट 3 तो लेवल मिला है, तो मैंने इधर से बाई लेवल दिया था, और मेरा मैंने भी स्टॉक में ट्रेड किया है, एक्चुअली स्टॉक में ट्रेड किया हूँ क्योंकि इधर मार्जिन में इसमें मार्जिन
थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा है ऑप्शन में, तो इसीलिए स्टॉक में ट्रेड कर रहा हूँ। तो इधर से देख सकते हैं आप लोग, गाँव से मैंने भाई एंट्री आप लोग को दिया था। आप लोग वीडियो फॉलो करने से आप लोग को पता चलेगा, आप लोग इससे वीडियो जब रिवाइंड करके देखेंगे। देखिए 8817 का नीचे मैंने बाई का एंट्री लेवल दिया था, उस उधर से लगभग 100 पॉइंट का एडर 8700 टच किया था। तो ठीक है, फिर बाद में मिलेंगे। धन्यवाद।